नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। रामपुर में सपा सांसद आजम खां के बेटे की अग्रिम जमानत पर होने वाली सुनवाई टल गई है। आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई आज 4 दिन के बाद होगी। आजम खां के बेटे पर फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। इसी के साथ दूसरे मामलों में भी उन पर केस दर्ज है। अब इन सभी मामलों की सुनवाई 10, 12, 13 और 14 फरवरी को होगी। इनमें 5 केस शामिल होंगे, जिनमें 2 केस आजम खान और अदीब आजम खान के भी हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की घोषणा के बाद सभी साधु संत खुश नजर आए। इस ट्रस्ट से जुड़े नामों के ऐलान के बाद जब बहराइच से हमारे संवाददाता महेश गुप्ता ने राम मंदिर न्यास के अध्यक्ष राम विलास विद्यांती से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से बेहद खुश हैं। हालांकि ट्रस्ट से जुड़े घोषित नामों में उनका नाम न होने को लेकर वो थोड़े भावुक दिखे, लेकिन उनका कहना है कि वो सरकार के निर्णय का सम्मान करते हैं। नाम दर्ज हो या ना हो, इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, दुख नहीं है। हमको तो प्रसन्नता है कि ट्रस्ट की घोषणा हो गई। हमको प्रसन्नता है कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी उस ट्रस्ट में लिए गए। हमको प्रसन्नता है कि हमारे स्वामी परमानंद जी महाराज को उस ट्रस्ट में रखा गया। हमको प्रसन्नता है कि के पराशरण को इस ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। ये मुझे प्रसन्नता है और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर संत लोग इसका समर्थन करें। मथुरा की छाता तहसील में राजस्व विभाग के एक कर्मचारी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पैगांव गांव में तैनात राजस्व विभाग से लेखपाल साफ तौर पर रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि जब भी कोई किसान अपने खेत का कसरा बनवाने के लिए आता है तो लेखपाल उनसे रिश्वत लेते हैं, मजबूरन किसान को सेवा शुल्क देना ही पड़ता है। वहीं जब ये वायरल वीडियो डीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में जांच करवाने की बात कही है। चलने लगा कागज लेके, मैं चले तो इन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बताओ, अच्छा सेवा पानी कुछ, मैंने क्यों बोल रहे, अरे मथुरा से आते हैं तो किराया भाड़ा लगता है तो बताएं तो कितने, तब 500 रुपये, 500 कितने कराया आपने? एक ही बनवाया था, एक ही के। अच्छा, यानी आपसे 500 रुपये लिए गए? 500 रुपये मांगे थे, फिर मैंने कहा चलो ऐसा है मैंने कुछ कम कर लो, मैंने 200 ले लो। नहीं, 200 में नहीं मांगे, फिर 300 रुपये लिए। 300। बागपत में डीएम शकुंतला गौतम ने राजस्व कार्यक्रमों, राजस्व वसूली और नगर निकायों से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीएम ने काम में लापरवाही करने वाले बीडीओ और डीसीओ सहित 3 अधिकारियों के वेतन को रोक दिया। डीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि जिस भी विभाग से टैक्स को लेकर कम वसूली की जाएगी उन विभागों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए क्षेत्रीय अधिकारी वसूली में सुधार करें। इसी के साथ ही डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्रों के भ्रमण करें और तालाबों की स्थिति का जायजा लें। वेतन रोके गए हैं जिनमें डिफॉल्टर हैं बीजो फेफड़ा का, डीसीओ बागपत का, इसके अतिरिक्त तीनों तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों को कठोर चेतावनी जारी की गई है वसूली के संबंध में, और जो मत्स्य पालन के पट्टे हैं उनके टारगेट पूरा ना करने के संबंध में। इसके अतिरिक्त जो विभाग अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहे हैं उन विभागों के निर्देश दिए गए हैं कि टारगेट तो पूरे हैं लेकिन भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुरूप जो है 75% से ऊपर हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं। इसके अतिरिक्त तो उनको ये कहा गया है कि जो निर्माण कार्य हैं वो गुणवत्ता के साथ करें और उनका टारगेट होना चाहिए कि 10 से 15 मार्च तक उन कामों को हैंडओवर करें। हमीरपुर के टीकापुर क्षेत्र में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां एक मोरंग खदान में करीब 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली। इस बीच बदमाश ट्रक ड्राइवर से 50,000 रुपए भी लूट ले गए। वहीं जब खदान के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस मामले में SP का कहना है कि जल्द ही बदमाश सलाखों के पीछे होंगे। मिली थी कि थाना ललपुरा में एक टीकापुर गांव में एक खदान है, वहां पे कुछ लोग आए और उनके द्वारा मारपीट वगैरह की गई, जिस संबंध में खदान के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अभी जांच करवाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में व्यापारियों ने पुलिस टीम को सम्मानित किया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस के काम की जमकर तारीफ की।
व्यापारियों ने कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से एक अपहृत दवा व्यापारी को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया वो काबिले तारीफ है। व्यापारियों ने कहा कि पुलिस के इस काम के बाद अब व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी को दवा व्यापारी को बदमाशों ने दोपहर को दुकान से उठा लिया था। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही दवा व्यापारी को सुरक्षित बचा लिया था और 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। दवा व्यापारी का विगत 1 फरवरी को अपहरण हो गया था और 2 दिनों के अंदर उसे सकुशल जो है पुलिस की टीम उसमें कलेक्टर के क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी महोदया इंस्पेक्टर साहब और बहुत सी उनकी टीम में जो लोग थे उन्होंने सकुशल व्यापारी को वापस लेकर आए और उससे व्यापारी बड़ा उत्साहित भाई उसे एक ऐसा माहौल मिला यहाँ पर कि आज हम व्यापार कर रहे हैं तो सुरक्षित। हमीरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले कई महीनों से ऑनलाइन ठगी की शिकायतें मिलने के बाद एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वाट टीम और साइबर सेल को जांच करने के लिए आदेश दिए थे, जिसके बाद अब मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी एटीएम से पैसे निकालने के लिए लोगों के पीछे खड़ा हो जाता था और लोगों के पिन कोड को याद करते हुए ऑनलाइन टिकट बुक कर देता था। आरोपी के पास से पुलिस ने मोबाइल के साथ कई सिम कार्ड और 70,000 नगद को बरामद किया है। एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया गया जिसके पास से जो मोबाइल फ़ोन ये इस्तेमाल करता था सिम्स और लगभग 70,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ पे इसने बताया कि ये लोगों के एटीएम कार्ड का नंबर और पिन देख लिया करता था और उसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट्स किया करता था। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अधेड़ दुकान बंद करके घर जा रहा था तभी बदमाशों ने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। देवरिया के लार थाना क्षेत्र में एक गाड़ी और ट्रक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देवरिया के भाटपार रानी क्षेत्र में सड़क हादसे की खबर सामने आई है जहां एक स्कूली बस और 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूली बस को कब्जे में ले लिया है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भाटपार अस्पताल में डेथ हो गई। इसके अलावा बस का क्लीनर और एक और बच्चा घायल हुआ है जिसका इलाज यहां देवरिया सदर अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। एसडीएम और सीओपी मौके पर हैं। वहां कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा करके दोषी जो व्यक्ति है बस का ड्राइवर उसके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है।